सयाहों के लिए अच्छी खबर, जनूबी पंजाब में सर्दी की पहली बर्फबारी। फोर्ट मनरू में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। दूर दराज से सयाह मौसम एंजॉय करने पहुंच गए। मुल्तान टीजी खान समेत दीगर इलाकों में बारिश जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुख्तलिफ इलाकों में शहरी घरों में महसूर हो गए। मुल्तान बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में गैस बहरान, लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। अवाम परेशान, खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात, बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने लगे। गैस की कम प्रेशर से कमर्शियल सार्फीन भी सर पकड़कर बैठ गए। मुतअद्दिद इलाकों में वकील सड़कों पर निकल आए, शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। सस्ता आटा नायाब, खैबर पख्तूनख्वा से महंगा आटा भी गायब। केपी से सैकड़ों शहरी भक्कर आटा लेने पहुंच गए। शहरी कहते हैं 17 से 18 हजार में फी बोरी हो गई, इंतजामिया की गफलत से वो भी मैसर नहीं, कहां जाएं और क्या खाएं आवाम की दुहाई। उधर सनावा में भी आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, सरकारी सेल पॉइंट्स पर खरीदारों का रश। गाड़ियों की ट्रांसफर बायोमेट्रिक तस्दीक में रियायत का आज आखिरी रोज, मोटर ब्रांचेस रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज का पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मरासला जारी, 2 माह में 40,000 से ज्यादा गाड़ियां हार्डशिप केसेस के जरिए ट्रांसफर हों। मुल्तान इंतजामिया की नाहली, शहरी साफ पानी से महरूम। सूरज मयानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल, इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे, फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, लापरवाही इंतहा को पहुंच गई। रंगपुर और जहानिया में सेवरेज सिस्टम दरहम बरहम, गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा, स्कूल्स के आगे गंदगी के अंबार, तलबा को परेशानी का सामना, ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया, गंदगी से सांस और पेट की बीमारियां फूट पड़ी। मकीन सरापा एहतजाज, बारह निशानदेही के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। मियांवाली में मुस्लिम और मेन बाजार की राबता सड़क पर गंदगी के ढेर है। मियांवाली सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, रकम वसूली के लिए आने वाली खवातीन मौसमी तलखियां झेलने पर मजबूर। उधर बीआईएसपी तहत कोट चट्ठा में रकूम की तकसीम, शफाफियत के लिए इंतजामिया मुताहरिक। डायरेक्टर प्रोग्राम अली मोहसिन का मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा, इकदाम का जायजा लिया, रकम वसूली की रसीद लाजमी हासिल करी। रोहित से गुफ्तगू के दौरान अली मोहसिन की खवातीन को हिदायत। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन में मुबैना सिफारशी भर्तियों का इंकशाफ, पुरानी तारीखों में दर्जा चहारम की 72 असामियों पर मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया, एंटी करप्शन को मरासला अड़ताल। लोधरा में फूड कंट्रोलर अफसरान की कार्रवाइयां, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी अहमद वकास हमरा, मुगलवाला परमट चौक पर ओवरचार्जिंग और आटे के 8 थैले बरामद होने पर जुर्माना आयद किया गया। पुलिस जुराइम पेशा नासिर को नकेल डालने में नाकाम, मुल्तान की सब्जी और फ्रूट मंडी डाकुओं के निर्गे में, बढ़ती हुई वारदातें, खौफ की लहर बरकरार, ताजर अदम तहफ्फुज़ का शिकार, आला हुकाम से सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। साबिक चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर महकमा जंगलात अतर महमूद शाह को जिंसी हरासमेंट केस में सजा सुना दी गई, सुबाई मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम का 5 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जेर तरबियत 34 एएसपीज का दौरा, मुख्तलिफ अदालतों में जारी समाज को देखा। एएसपीज को क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से ब्रीफिंग, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच अमजद अली शाह ने इजहार ख्याल किया।
सियासी हलकों में हलचल तेज, हुकूमत ने बड़ी चाल चल दी। पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी के ख्वाब चकनाचूर, मजीद 35 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। दरिया से अब्दुल मजीद नियाजी, रिहाड़ी से ताहिर इकबाल, मेलसी से औरंगजेब खान भी इस्तीफा मंजूर होने वालों में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। एमएनए आमिर डोगर ने बकिया 45 इस्तीफे भी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। हमें सिर्फ जनरल इलेक्शन चाहिए, रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की रोहित से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। रहनुमा पीटीआई सजाद सयाल ने नए चेहरों को टिकट देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। मातहत अदलिया की फ्राहमी के बाद इलेक्शन कमीशन आरओज डीआरओज तैनात करेगा। मजकूरा इकदाम से इलेक्शन कमीशन पर उठने वाले एतराजात कम होंगे। मुल्तान के वकला ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तसली बख्श करार दे दिया। जमात इस्लामी का 29 जनवरी को मुल्तान में पावर शो, सिले इंतजामिया की जानिब से तैयारियां जारी। अमीर सिराज उल हक जलसा आयाम से खिताब करेंगे। पार्टी की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दावती कैंप्स कायम। जिले अमीर सफदर हाशमी कहते हैं आज से इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। रहीमियर खान पुलिस फोर्स में नए नौजवान ऑफिसर्स की भर्ती। 17 नए सब इंस्पेक्टर पुलिस कोर्ट में शामिल। 5 खवातीन और 12 मर्द सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स में शामिल। पुलिस में शामिल होने पर डीपीओ अख्तर फारूक ने खुशामदीद कहा। लोधरा में पहली खातून सब इंस्पेक्टर एसएचओ तैनात। लेडी सब इंस्पेक्टर फौजी सेहत को एसएचओ थाना सिटी दुनियापुर तैनात कर दिया गया। उधर लैया में चुबारा की पहली खातून एसएचओ ने भी अहदे का चार्ज संभाल लिया। एसएचओ आसिया सरफराज ने थाना अफसरान के साथ मीटिंग की। एसएचओ ने कहा कि आईजी पंजाब ने खवातीन पुलिस अफसरान पर जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरूंगी। सेक्रेटरी टूरिज्म की हिदायत नजरअंदाज। मुल्तान में सियाहती मकामात पर मॉडल फूड स्टॉल्स कायम ना किए जा सके। सफाई और मयार का जायजा लेने के लिए भी कोई इकदाम नहीं किया गया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के तुलबा के लिए अच्छी खबर। 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रोफेसर मुस्तफा कमाल पाशा लेक्चर्स थिएटर्स का इफ्तिताह। प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ कहते हैं 2000 के करीब तुलबा और तालबात की क्लासेज होंगी। कमिश्नर बहावलपुर और डीएसओ ने ओलंपिक ट्रैक का संग बुनियाद रख दिया। ड्रिंक स्टेडियम में बनने वाले ट्रैक पर 37 करोड़ लागत आएगी और एक साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। 4 किलोमीटर तवील ट्रैक के अंदर एथलेटिक्स की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। कमिश्नर ने कहा इस्लामाबाद के बाद बहावलपुर में ऐसा ट्रैक बनाया जा रहा है। मुल्तान में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम की बेहतरी के लिए ट्रेनिंग का फैसला। सरकारी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। बाद हजार साजा का टेस्ट भी लिया जाएगा। शेड्यूल कायदे आजम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जारी करेगा। तामीराती मंसूबों में ताखीर, कमिश्नर डीजी खान का नोटिस। मुतालिका महकमों को स्कीमों की तकमील के लिए टाइमलाइन जारी। सुस्त रफ्तार मंसूबों की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। कमिश्नर खालिद मंजूर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिविजनल अफसरान ने तरक्याती मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। मदर इन चार्ज अस्पताल लहिया में जारी काम का जायजा लेने के लिए मीटिंग। सदारत सीईओ हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल ने की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की शिरकत। सीईओ हेल्थ का काम बारे ब्रीफिंग। इदारों की जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत। आरपीओ बहावलपुर ने खुली कचहरी भी लगाई। साली ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहकाम।
क्लर्क बार एसोसिएशन जामपुर के सालाना इंतखाबात कल मैदान सजेगा। इंकलाब और इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस में सख्त मुकाबला मुतवक्के। क्लर्क बार के मुतअद्दिद मेंबरान ने इंकलाब ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली।